हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लिंक पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ पर, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अकरेंस। अब अकरेंस का क्या मतलब होता है? अकरेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, पाया जाना, ठीक है। सो जो अल्कली मेटल्स होती हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होती हैं अल्कली मेटल्स, एंड दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म। अब कंबाइंड फॉर्म का क्या मतलब है? कंबाइंड फॉर्म का मतलब है कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं ये कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। सो इस तरह से जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। जब आप अगर आप बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, दे आर फेयरली रिएक्टिव, ये रिएक्टिव तो होती हैं बट लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स से कम रिएक्टिव होती हैं। दे ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म, ये भी कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं, मीन्स के कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, ठीक होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसको हम लास्ट लेक्चर्स में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अल्कली मेटल्स होती हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मीन्स के इजीली अपना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हैं, लूज कर देती हैं। ठीक है, देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर रेंजिंग फ्रॉम 520 किलो जाउल पर मोल फॉर लिथियम एंड 376 किलो जाउल पर मोल फॉर सीजियम। अब देखें, ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मीन्स के इनका, इनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था कि जब आप टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है। एटम का साइज जब बड़ा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है इनके लिए। सो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मींस के एनर्जी आपको कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, उस पर न्यूक्लियस की पकड़ कमज़ोर हो रही है, तो इसका मतलब है उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो लूज़ हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जैसे लिथियम है वो
वो टॉप पे आता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, उसको उसके वैलेंस शेल जो में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे सीजियम के लिए मैंने आपको बताया कि 376 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक। और अगर आप बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इनके लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देख लेते हैं। देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर ranging from 1757 kilojoule per mole for beryllium and 965 kilojoule per mole for बैरियम, ठीक हो गया। सो अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें सो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं इनका एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जब इस वजह से एटम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो एटम का साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की पकड़ होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो मजबूत हो जाती है। सो इस वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि अगर आप बात करें सेकेंड पीरियड की, लिथियम पहले आता है और बाद में बेरिलियम आता है। सो लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 520 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। जबकि आप बेरिलियम की देखें, बेरिलियम के लिए आपको 1757 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद वाटर के। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं वो हम देख लेते हैं। अब जो अल्कली मेटल्स होती हैं दे रिएक्ट विद वाटर विगरेसली एट रूम टेम्परेचर to give alkaline solution and hydrogen gas take example dekh lete hain कि जो अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पर, विगरेसली का मतलब होता है स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे हम रिएक्शन देख लेते हैं सोडियम का वाटर के साथ, सो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है H2। सो आप अगर इक्वेशन को बैलेंस करें सो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर, देन दे कैन आल्सो रिएक्ट विद वाटर लेस विगरियसली, मीन्स कि इनका रिएक्शन जो है फास्ट नहीं होता एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, एंड ऑन हीटिंग
दे प्रोड्यूस वीक बेसिस जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ देन ये स्लो रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ठीक है आप हीटिंग हीट करना कंटिन्यू रखते हैं देन ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सो इस तरह से अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन अब अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है वो हम देख लेते हैं अगर आप बात करें अल्कली मेटल्स की सो दे इमीडिएटली टॉर्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर अल्कली मेटल्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है देन दे इमीडिएटली टॉर्निश अब टॉर्निश का क्या मतलब होता है कि इनकी चमक खत्म हो जाती है मैली हो जाती हैं ये इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे सोडियम है ठीक सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या बनाया सोडियम का ऑक्साइड Na2O ठीक है इक्वेशन को बैलेंस करेंगे अब ये जो सोडियम का ऑक्साइड बना है ना ये ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है देन क्या बनाता है स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा ठीक है सो इस तरह से रिएक्शन होता है अल्कली मेटल्स का विद ऑक्सीजन अगर आप बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड When heating means के room temperature पे जो ये alkaline earth metals होती हैं ये oxygen के साथ reaction नहीं करती जब आप heat करते हैं then इनके क्या बनते हैं oxides बनते हैं जैसे magnesium को आप heat करें in the presence of oxygen then क्या बनेगा magnesium का oxide बनेगा ठीक है सो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे सो इस तरह से अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करती हैं नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सो जो अल्कली मेटल्स होती हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं देन दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स with H2 at high temperature बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं देन आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं देन उनको आप क्या बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी देन क्या बनेगा NaH सोडियम हाइड्राइड बनेगा इक्वेशन को आप बैलेंस कर देंगे ठीक है सो इस तरह से रिएक्शन होगा इसको आप क्या बोलेंगे सोडियम
हाइड्राइड। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नेगेटिव वन होती है। जनरली हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव वन की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट मेटल हाइड्राइड्स के केस में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव वन होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वन होगी। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थी बात। अगर आप बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है आपको, कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर कितना हो और प्रेशर कितना हो। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं देन मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। जैसे कैल्शियम है, जब आप हाइड्रोजन को पास करते हैं हीटेड कैल्शियम के ऊपर से देन क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्राइड बनता है CaH2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो इस तरह से रिएक्शन होता है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्कली मेटल्स किस तरह से हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं। अब हैलोजेंस कौन से होते हैं, सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। सो इनको आप क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। जो अल्कली मेटल्स होती हैं दे रिएक्ट वायलेंटली with halogens to give halides। generally metals जब halogens के साथ react करती हैं then उनको क्या बोलते हैं, metal halides बोलते हैं। for example sodium react करती है chlorine के साथ then क्या बनेगा, sodium chloride। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो दे रिएक्ट स्लोली विद हैलोजेंस टू गिव हैलाइड्स। अब ये रिएक्ट तो करती हैं हैलोजेंस के साथ बट आहिस्ता रिएक्ट करती हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के हैलाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम का जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन क्या बनता है, कैल्शियम का क्लोराइड बनता है। ठीक है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करती है देन उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड्स बोलते हैं। सो अगर आप बात करें अल्कली मेटल्स की, सो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, दे डू नॉट रिएक्ट with nitrogen directly to form nitrides। ठीक है, हाँ एक example दे देता हूँ वैसे आपको कि जैसे ये sodium का nitride है Na3N। सो ये जो है ये एक अनस्टेबल नाइट्राइड है, ठीक है, और ये भी मतलब रूम टेम्परेचर पे डायरेक्टली रिएक्शन से नहीं बनता। ठीक है, सोडियम को इमर्स करना पड़ता है, डुबो कर रखना पड़ता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में।
तब जाकर ये नाइट्राइड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। जबकि अगर आप बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो दे फॉर्म नाइट्राइड्स व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करती हैं देन नाइट्राइड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी देन मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनेगा Mg3N2। ठीक है, सो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। सो ये तो थे रिएक्शंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद हैलोजन्स एंड नाइट्रोजन। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो तो कार्बन के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, दे डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन। अब जब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बन के साथ रिएक्ट करती हैं देन क्या बनते हैं, मेटल कार्बाइड्स बनते हैं। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म स्टेबल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, कैल्शियम को जब आप हीट करते हैं कार्बन के साथ देन क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है CaC2। ठीक है, सो इस तरह से आपने देख लिया रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद कार्बन। सो ये जो हमारी टेबल थी, ये जो हमारा लेक्चर था कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।